धारा को छोड़ते हुए। जो भी बोलो, और भाई का जो सूट है ना मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना प्राइस लिया था? 1,07,000। कितना? 1,07,000। ओ भाई 1,07,000 का सूट है ये भाई। तो पहले बहुत जब कोविड मतलब पूरा पीक पे था तब बहुत फॉर्मेलिटीज हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत इजी है। बस आपको अपना कोविड का सर्टिफिकेट दिखाना है, इधर मोबाइल पे या फिर कार्ड कुछ भी चलेगा, बस हो गया अपना। और अभी यहाँ से निकलते हैं, और ये अपना तनवीर भाई अपने RC390 पे 1,10,000 का सूट पहनते हुए, एंड यहाँ पे बाकी अपना तुषार भाई, SB मोटो ब्लॉग भाई एंड रायन भाई, हम लोग अभी निकल चुके हैं नोंगपो के रास्ते में। तो अभी यहाँ से रास्ता जो है बहुत अच्छा रास्ता है, तो आप लोग एंजॉय करिए। यहाँ पे 2-2 400 cc का बाइक के साथ पंगा लेते हुए 250 cc का बाइक लेके, तो क्या बम्स है भाई। और गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को वीडियो देख के बताओ? आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, इसलिए मजा नहीं आता है। एंड ये जो रास्ता है, ये रास्ते में मेरा जब R15 V2 रहा करता था तभी आता था मैं, मतलब कोई रेसिंग पोस्चर का बाइक लेके। उसके बाद तो क्लासिक 350 देन इंटरसेप्टर, दोनों ही रेट्रो, काफ़ी रिलैक्स पोजीशन का बाइक है। तो आज लगभग पाँच छः साल बाद ऐसा रेसिंग बाइक को एंजॉय कर रहा हूँ ऐसे रोड पे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। पहला दिन हिसाब से लीन ठीक कर रहा हूँ कि नहीं आप लोग बताओ।
गाइस आप लोग ये सब ट्राई मत करिए, ऐसा रैश ड्राइविंग हम लोग जैसे चला रहे हैं आप लोग बिल्कुल ये सब ट्राई मत करिए घर से, बिकॉज बहुत रिस्की होता है। एंड हम लोग चला रहे हैं भाई अपना, पहला तो बात है पहला नॉन रोड है, एंड दूसरा है अपना सब यहाँ पे जितना राइडर्स है सब एक्सपीरियंस है, टोटली 10 साल मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस वाला राइडर्स है यहाँ पे। तो आप लोग ये सब ट्राई मत करिए, बस आप लोग एंजॉय करिए, ट्राई मत करिए। कितना दूर जाएंगे, कितना दूर जा मैं आगो धापा जमा बोला तुम्हें आगो जो। तो सामने एक ढाबा है, ढाबा पे कुछ नाश्ता पानी करके हम लोग निकल जाएंगे। एंड आते टाइम तो अंधेरा हो जाएगा तो वीडियो नहीं उठा सकते हैं। एंड गोप्रो का भी चार्ज देखना पड़ेगा कितना चार्ज है। तो यस अभी ढाबा मिल गया, यहाँ पे कुछ चाय नाश्ता खा के हम लोग निकल जाते हैं। एंड सच में बताना कैसा लगा, क्योंकि मैं 5 साल बाद ऐसा मतलब एग्रेसिव पोस्चर का बाइक चला रहा हूँ। तो आप लोग भी समझना, थोड़ा दिक्कत तो आया मेरा लीनिंग में, मेरा लीन हो रहा था क्या, थोड़ा थोड़ा हो रहा था ना चला हा? मेरा हो रहा था ना, ठीक चला रहा था ना, बहुत दिन बाद 5 साल बाद 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स मतलब रेसिंग पोस्चर का एक बाइक चला रहा हूँ मैं। मतलब बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ भी बोला आप भाई बहुत ठीक कर रहे। क्या बात कर रहा है, अभी तुम्हारा व्यूअर्स बोलेगा वो हा? हो रहा था, मैं अच्छे से चला रहा था ना, कॉर्नरिंग वगैरह आपका सूट कर रहा था, आपका डंगल भी अच्छे से हो रहा था, आप जब डंगल कर रहा था ना ब्रेकिंग का तो सही आ रहा था। आप देख सकते हैं अपना बाइक कितना मज़ा लगता है भाई, ऐसा बाइक इतना सुंदर इतना मेंटेन बाइक देखने में ना, इसका ग्राफिक्स दिए ये RR310 का ग्राफिक्स देखिए, पूरा अकुला जैसा अकुला लगाया हुआ है अकुला। एंड फिर इससे ये हस्कवर्ना देखिए। तो ये है अपना सामान और पकड़ा गया भाई दारू पीते हुए, ये देखो भाई ओपन बीच बाजार में दारू पी रहा है, देखो देखो ये दारू पी के हेवन पे चला जाएगा। तो गाइस आज का जो राइड था हम लोगों का यहाँ पे ही खत्म होता है, बिकॉज अंधेरा हो चुका है। एंड कैसा लगा भाई बोलो, तुषार के साथ पहले बार आज, तनवीर के साथ पहली बार, और आयन तो मेरा राइडिंग पार्टनर है ही पुराना, तो करेंगे हम लोग सोच के रखा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग तो बहुत फास्ट चल रहा है यार। हां क्या क्या यू गाइस आर फास्ट, आई कैन से दैट। हां हम लोग बहुत फास्ट, हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, हम लोग बहुत फास्ट चल रहे हैं, मोस्टली यूट्यूब। तो अभी ऐसे ही मस्ती मजाक में पूरा दिन चला गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।